फ्रीलांसिंग सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले का जो वीडियो था इसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग के बारे में बेसिक जानकारी, कैसे आप वहाँ से काम कर सकते हो, क्या एक्चुअली वर्क करता है freelancer.com। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला है कि अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। हाय गाइस, दिस इज ऋषिकेश फ्रॉम geekinja.com। सबसे पहले जो भी एम्प्लॉयर होगा उसके हिसाब से आप देखिए। आप समझ लीजिए कि आप एम्प्लॉयर हो, आपको किसी को हायर करना है, तो आप आगे वाले बंदे में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आपको काम करना अपनी प्रोफाइल पे, जो भी आप बिडिंग कर रहे हो प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर होगा वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखेगा। और ये जो काम मिलने का प्रोसेस है हार्ड, तो तब हो जाता है जब आपके अकाउंट पे एक भी रिव्यू नहीं है। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करना है। आप कुछ टाइम स्पेंड कीजिए फ़ोटोशूट करने में, अपने मोबाइल से ही क्यों ना आप कुछ फ़ोटोज़ निकालिए। मैं प्रोफेशनल फ़ोटो की बात क्यों कर रहा हूँ, मान लीजिए कि आप अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ जॉब चाहिए, तो उस जॉब के लिए आप प्रोफेशनल दिखते हो। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको कुछ जॉब मिलने वाला है, तो उसके लिए आपका लुक प्रोफेशनल होना चाहिए। उसके बाद का जो काम है आपके प्रोफाइल का टाइटल और प्रोफाइल के आपके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी आता है वो सबसे पहले आपका प्रोफाइल फ़ोटो देखेगा, उसके बाद में आपके प्रोफाइल के जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, जो भी आपका बायोडाटा है उसको पढ़ेगा। सबसे पहले आपको आपके जो भी स्किल्स है वो आपको वहाँ पे बताना है। वहाँ पे आप कुछ अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। जो भी एजुकेशन है, जो भी आपके क्वालिफिकेशंस है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो सब आप प्रोफाइल में आपको अपडेट कर देना है। ये सब आपको आइडिया लेने हैं। जो भी बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं जिनके अच्छे रिव्यूज़ है, उनके प्रोफाइल से आप कुछ ना कुछ ले सकते हो। कौन सी चीज़ें फ्रीलांसर के अकाउंट में इन लोगों ने लगाई हुई है, वो आप बड़े बड़े फ्रीलांसर जो कि आपके स्किल्स के काम करते हो, जो आपके स्किल्स के प्रोजेक्ट लेते हो, उनकी आप प्रोफाइल विजिट करके देखना कि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में, उनके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, तो वो वहाँ से आप कुछ आइडियाज ले सकते हो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। उसके बाद सबसे मेन टास्क रहता है कि आप अपनी प्रोफाइल में जितनी भी वेरिफिकेशंस के प्रोसेस है उनको कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो, उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो भी आपका आईडी कार्ड है, पैन कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड, उससे आपको वेरिफिकेशन करना है। वो कैसे करना है मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन वो करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी वहाँ पे आपके स्किल रिलेटेड टेस्ट है उन टेस्ट को देना है। फ्रीलांसर का सबसे फर्स्ट जो टेस्ट रहता है उसमें आपको फ्रीलांसर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। उससे आपको एटलीस्ट एक टेस्ट तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन बाकी जो भी आपके स्किल के टेस्ट है उस टेस्ट के लिए आपको 250 रुपीज़ से 300 रुपीज़ तक आपको देने पड़ते हैं। एट द बिगिनर मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप उस टेस्ट को परचेस करके दे दें, लेकिन अगर आप आगे आगे कुछ अर्निंग्स कर रहे हैं तो वो टेस्ट देना रिकमेंडेड है, वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रोफाइल में करनी है, वो आप अगर आप बिगिनर हो या आप अपनी फर्स्ट टाइम प्रोफाइल सेट कर रहे हो तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मेरे फ्रीलांसर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेकआउट ज़रूर करना। वहाँ से अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या फिर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये कंप्लीट सीरीज़ है फ्रीलांसर के बारे में, फ्रीलांसिंग कैसे कर रहा हूँ मैं, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर कैसे फ्रीलांसर पे आपको ग्रो करना है, ये सारी सीरीज़ है। ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो था। आगे इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट geekinja.com को ज़रूर विजिट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।